एक्सटेंसर डिजिटोरम होता नहीं, ये स्प्लिट हो जाता है फोर टेंडेंट्स के अंदर। अब देखो ये जो इंडेक्स फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर टेंडेंट में दो पार्ट में डिवाइड है, एक लेटरल पार्ट है और एक मीडियल पार्ट है। जब लेटरल पे पिन लगी होगी तो एक्सटेंसर डिजिटोरम, मीडियल पे लगी होगी तो एक्सटेंसर इंडाइसिस। ये भी हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये भी हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम। और ये जब लेटरल फिंगर पे तो भी टेंडेंट लेटरल में डिवाइड हो रहा है और मीडियल पे, लेटरल साइड पे एक्सटेंसर डिजिटोरम और मीडियल साइड पे एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। और जो हमारे पास एक ही साठ टेंडेंट लगा हुआ है एक्सटेंसर कार्पाई, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नाइरिस का। करते हैं अपना हैंड रीजन। हैंड में पहले जो हमें ये वाला मसल नज़र आ रहा होता है हमारे पास ओपोनेंस पॉलिसिस, उसके बाद जो ये वाला मसल ये होता है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और इसके साथ जो होता है ये होता है हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और जो हमारे पास ये होता है ये तो हमारे पास एडक्टर पॉलिसिस। अब दोबारा करते हैं, ये होता है हमारे पास एडक्टर पॉलिसिस, जो ये वाला होता है हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और जो मीडियली होता है सबसे दरमियान में होता है ये होता है हमारे पास एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और जो ये सबसे थम वाली साइड सबसे लेटरली हमारे पास ओपोनेंस पॉलिसिस। अब लम्ब्राइकल, ये हमारे पास फर्स्ट लम्ब्राइकल, ये सेकंड लम्ब्राइकल, ये थर्ड लम्ब्राइकल और ये फोर्थ लम्ब्राइकल, इनको हम लोग कहते हैं थिनार, और ये होती है हमारे पास हाइपोथिनार। अब हाइपोथिनार में हम लोग स्टार्ट करें तो ये होता है हमारे पास ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई, फिर ये होता है एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, और ये होता है हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई। ट्रेस करते हैं अपने हैंड की। पहले ये जो हमारी अल्नर साइड से और रेडियल साइड से आ रही है इसको बोलते हैं हम लोग सुपरफिशियल पामर आर्ट्स, फिर ये डिवाइड हो जाती है हमारे पास। फिर जो ये हम लोग को ये वाली नज़र आ रही होती है हमारे पास कॉमन पामर आर्ट्स, और जो ये फिंगर्स में नज़र आ रही होती है प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज, ठीक है। अभी थंब वाली साइड पर चले जाओ, जो ये हमारे पास थंब पे होती है आर्टरी होती है इंडाइसिस, सॉरी प्रिंसिप्स पॉलिसिस होती है, और हम फिंगर पे होती है हमारे पास रेडियालिस इंडाइसिस। ये हमारे पास ये मीडियन नर्व आगे जाके डिवाइड हो रही होती है, और ये मीडियन नर्व की रिकरेंट ब्रांच होती है। तो ये होगी हमारी अपर लिम्ब की ऑस्पी।